नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए। गुड टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का माँ, लक्ष्मी का माँ, बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही आज जानेंगे कुछ बहुत सिंपल सी रेमेडीज, बहुत सरल से उपाय। उन उपायों को करने से यू कैन गेट द सक्सेस इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, याददाश्त तेज हो सकती है, गुस्सा कम हो सकता है। तो पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन रूटीन के जो काम है उनको पूरा करने में ही व्यस्त हो जाएगा। थोड़ा सा अपने कामकाज में फुर्ती रखनी होगी और अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से आज के दिन को आप बेहतरीन भी बना सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पीले चावलों का भोग भगवान विष्णु को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आपके लिए आज का जो दिन है वो पैसों के, फाइनेंशियल मैटर्स के लेन देन में गुजरेगा। आज के दिन के फर्स्ट हाफ में, पहले हिस्से में बिजनेस से अचानक फायदा हो सकता है और जब बहुत दिनों बाद पैसा हाथ में आए तो मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। हाँ, किसी तरह की गलत बयानी आज आपको समस्या में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गुलाब के पुष्पों से भगवान श्री गणेश की आराधना पूजा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसे फालतू की बातों में लगाने की बजाय, व्यर्थ की चिंताओं में लगाने की बजाय, उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं, पॉजिटिव काम में लगाएं, लाभ होगा। वर्किंग एरिया में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी ना होने दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए शमी पत्रों से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, अजमेर से भूमिका है, अपने हस्बैंड नरेश जी के लिए जानना चाहती है। नरेश जी की जन्म की तारीख है 2/11/75 और जन्म का समय है रात्रि का 11:45 का। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए अपना, सवाल पूछिए भूमिका जी। मुझे कि पूरा साल कैसा रहेगा और हमें अपना घर बनाना है और कुछ कर्जा भी है तो वो कब तक उतरेगा। देखिए बेटा, भूमिका आपके जो हस्बैंड है नरेश, कल उनका जन्मदिन है तो एडवांस में ही फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आपके हस्बैंड को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी उन्हें खूब स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, धन का लाभ दे, नौकरी व्यापार में तरक्की दे, यही हमारी कुलकटिप परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। रही बात आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं, शनि की मादशा शुक्र का अंत, निश्चित तौर पे अगला जो वर्ष इनको बैठ रहा है यानी नवंबर 2017 से नवंबर 2018 तक का जो समय है वो फाइनेंशियल मैटर्स के लिहाज से
पैसों के लिहाज से, पारिवारिक सुख के लिहाज से, हर तरीके से अच्छा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखें, एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर पहना दीजिए रविवार के दिन, और बोलिए कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्ध अवश्य प्रदान करें। इस साल संकल्प लें, अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहते हैं, पैसों का सुख चाहते हैं, तो प्रतिदिन सूर्य की आराधना करनी है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है, बाकी स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। और आपको जो काम करना है वो पूरे वर्ष पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास, जहाँ अपन परिंडा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जलाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा, कल इनका जन्मदिन है, यदि आप चाहते हो कि इनका आने वाला वर्ष पूरे अच्छा रहे स्वास्थ्य के लिहाज से, धन के लिहाज से, तो कल गौशाला चले जाना। वहाँ जाकर आपके प्रतीक जो नरेश है, उनके वेट, उनका जो जितना वजन है, मान लो 60, 70, 80 जितना भी वजन है, उतना गुड़ लेके जाना गौशाला में और जाके गौ माता को खिलाना। निश्चित तौर पे पूरे वर्ष के अंदर आपके पति की तरक्की होगी, उन्नति होगी, स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी, अभी एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, मकराना से सुनीता जी हैं। अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। इनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 27/7/64। उनका नाम है अशोक और उनके जन्म का समय है 4:35 का। सुनीता जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। सवाल पूछिए सुनीता जी। हेलो गुरु जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। हाँ बेटा। एक वो आपने पूजा बताई थी, मुझे पूजा भी करवानी है और आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधर रही है। देखो बेटा, सुनीता, जहाँ तक आपके हस्बैंड का जो हमने बता रखा है विष योग, जो शनि चंद्रमा का विष योग है, इस विष योग की पूजा आप देखिए, समय की बात है, वो टलती जा रही है। अगर ये पूजा हो जाए तो इनका जो भाग्य है वो काफ़ी साथ देने लग जाएगा। तो अभी तो मैं 2 दिन बाद में विदेश यात्रा पे निकल रहा हूँ, फिर मैं 15 तारीख के बाद में अवेलेबल हो पाऊँगा, 15 नवंबर के पश्चात में। तो आप 15 नवंबर के पश्चात में आप आके एक बार या मेरे से फ़ोन पे संपर्क करके आप मिल लीजिए, ताकि ये शनि चंद्रमा विश्व योग की पूजा करवा दें, ताकि इनके रास्ते की जो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भाग्य। मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन उसका भाग्य भी तो अच्छा होना चाहिए। हमारा भाग्य अच्छा था तो हमें मनुष्य जीवन मिला। कुत्ते के भाग्य में कुत्ता बनना लिखा था तो वो कुत्ता बना। बिल्ली के भाग्य में बिल्ली बनना लिखा था, बिल्ली बनी। तो जीवन में सब कुछ आपको आपके भाग्य से मिलता है। और इनकी जन्म कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो विषय। अब रही बात, अभी अप्रैल 2017 से शनि की जो इनकी महादशा थी वो खत्म होकर बुध की महादशा शुरू हो चुकी है। बुध इनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है, लेकिन कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ फल देने में थोड़ा सा समय लगाती है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ 2018 जो है वो जीवन का बेहतरीन समय होगा। आने वाले कुछ महीनों में फाइनेंशियल बेनिफिट भी होंगे, कर से मुक्ति भी मिलेगी, रास्ते भी खुलेंगे। हरी सब्जी नियमित रूप से खिलाएं, हरी चद्दर पे सोलाएं, वजन के बराबर गुड़ का दान करें, सरल से उपाय करें, फायदा होगा। पंडित जी, एक दर्शक और जुड़ी है, अरुणा जी हैं अजमेर से। अपने दोहते के बारे में जानना चाहती हैं। इनके दोहते की जन्म की तारीख है 24/10/2017 और जन्म का समय है रात्रि का 8:27 का। अरुणा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। ये अभी दोहता पैदा हुआ है 24 अक्टूबर को जी, शाम 28:27 पर जी। देखिए अरुणा जी, बच्चे का जो जन्म है, सबसे पहले तो आपके दोहते होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके दोहते को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे, माता रानी को खुशियां प्रदान करें, यही मंगल कामना हमारे चैनल की तरफ से, गुड लक टिप्स कार्यक्रम परिवार की तरफ से। बच्चे का जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण है य पे नाम आया है।
यशील वाला जो य है उस पे नाम आया है, इंग्लिश में वाई और हिंदी में य, यश वाला जो है। देखिए, एक तो राशि कभी नहीं बदलना, इसकी धनु राशि आई है तो धनु राशि पे नाम रखिए, य पे नाम रखिए, या भगवान वाला भ पे भी नाम रख सकते हैं। तो धनु राशि के जो करैक्टर है उन्हीं के ऊपर इसका नाम रखिएगा, दूसरा और कोई नाम मत रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो है जन्म कुंडली वो ठीक है बच्चे की, और शुक्र इस बच्चे की जन्म कुंडली का जो शरीर के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच का है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, आप मूल नक्षत्र की आपको शांति करवानी है, जब मूल नक्षत्र की शांति करवाएंगे तब योग्य आचार्य जो भी हैं उनसे बात करके, इसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच का है, सूर्य भी नीच का है, तो ग्रह शांति अवश्य करवा लीजिएगा। मूल शांति के साथ में बच्चे के जन्म की कुंडली के मध्य जो दो ग्रह जो नीच के हैं शुक्र और सूर्य, उनकी शांति भी अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि इस बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहे और इस बच्चे के आने के पश्चात में माता पिता के भाग्य में भी बढ़ोतरी हो। बाकी सब कुछ ठीक है, जन्म कुंडली अच्छी है, बच्चे जो भी आते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं, और हमारा शुभ आशीर्वाद आपके दोहित्य के साथ है। तो चलिए दर्शकों भी के आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और सोचते सोचते समय निकल जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, समय पे डिसीजन ले लीजिएगा, अदरवाइज सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। और जिस परिस्थिति से, जिस सिचुएशन से, जिस माहौल से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं उसका सामना कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि सिंह राशि, सोचे हुए काम को पूरा करने में परेशानी हो सकती है, दुविधाओं में कोई डिसीजन मत लीजिए, परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार कीजिए, अपनी क्षमता पर संदेह मत कीजिए, अनाथाश्रम में दवाइयों का दान करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि कन्या राशि, बड़ों की सलाह को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन अपने निर्णय खुद लेने का भी प्रयास कीजिए। बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों से पूछना जरूर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हर चीज जब पूछ पूछ के करते हैं तो हमारी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, और जब अचानक बड़े लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, परलोक को चले जाते हैं, भगवान के श्री चरणों को चले जाते हैं, उस वक्त जब हमें आने वाली लाइफ में निर्णय करने हो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो अपने जीवन में कभी कोई डिसीजन किया ही नहीं, और जब डिसीजन नहीं किया और अचानक आपको डिसीजन करना पड़ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर वालों से पूछिए और अपने सेल्फ डिसीजन के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए, आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बच के चलिएगा, अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, मनुष्य जीवन आपको जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिला है। पुत्र है तो आपके ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी है, पति हैं तो पत्नी की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी है। आप बताइए हमारे में से कौन सा ऐसा मनुष्य, ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो। तो मनुष्य जीवन तो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही मिला है। आज के दिन की सफलता के लिए हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, चल हाजिर होते हैं।